नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शब्द भेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्द की परिभाषा क्या होती है। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ ही साथ लिखते भी रहेंगे। तो देखिए, एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों से जो मिलकर बनती है, जैसे कि बात करें हम लोग विद्यालय की, तो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है विद्यालय। और एक सार्थक अर्थ भी निकलता है उसका। सार्थक का मतलब होता है एक सही अर्थ, तो एक अर्थ निकल रहा है विद्यालय, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी ध्वनि को जो हम बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। तो चलिए अब देखते हैं शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शब्द के प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर परीक्षा पूछता है शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि वो किसके आधार पर पूछ रहा है। शब्द के भेद जो हैं वो रचना के आधार पर पूछ रहा है या फिर किसी और के आधार पर पूछ रहा है। इसके बहुत सारे प्रयोग के आधार पर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अर्थ के आधार पर पूछ लेते हैं। तो अगर रचना के आधार पर पूछता है तो आपके हो जाएंगे तीन। ये तीन कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो चलिए आप देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो देखिए, अगर बात करता है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे आठ प्रकार के। ये आठ प्रकार कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आठ प्रकार आपके हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर। आपको ये देखना है कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर बात करता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे चार प्रकार के। और इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं परीक्षाओं में। ये चार प्रकार कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये तो आपके हो गए शब्द भेद। किसके आधार पर कितने होते हैं, संख्याएं आपको याद रखनी है। रचना के आधार पर तीन, प्रयोग के आधार पर आठ और उत्पत्ति के आधार पर चार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आइए इनको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, एक आपका कभी कभी पूछ लेता है इसमें अर्थ के आधार पर भी शब्द भेद कितने होते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो ये अर्थ के आधार पर आपके चार हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रचना के आधार पर। तो चलिए अब देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए, रूढ़ शब्द की अगर हम लोग बात करें तो जिन शब्दों के खंड ना हो सकें, और अगर उनका खंड आप लोग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो आपके हो जाएंगे रूढ़ शब्द। मतलब किसी एक अर्थ को व्यक्त करेंगे ये शब्द, और अगर इनका आप खंड कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ ये शब्द दिए गए हैं, हाथ, पैर, पंखा, तो ये अपने आप में तो एक अपना अर्थ रखते हैं। हाथ एक पूरा अर्थ है, एक शब्द है और उसका अर्थ भी है। लेकिन अगर हम लोग इसे तोड़ देते हैं, हा प्लस थ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब तो आप समझ गए, इनका कोई कभी खंड होंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार के शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, साथ ही साथ लिखते रहिएगा। अब देखते हैं यौगिक शब्द। तो आइए अब देखते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये शब्द दो या अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। और अगर आप इनके टुकड़े करते हैं तो दोनों टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, विद्यालय। तो एक विद्या और प्लस आलय, विद्या का अपना एक अर्थ है और आलय का भी अपना एक अर्थ हो जाएगा। आलय मतलब घर, तो विद्या का घर विद्यालय। मतलब दोनों टुकड़ों का अपना अपना एक अर्थ निकलेगा और दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये आपके हो जाएंगे यौगिक शब्द। तो आइए इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विद्यालय, हिमालय,
प्रधानमंत्री, देखिए दो शब्दों से मिलकर बनेंगे और तोड़ने पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, तो आपके हो जाएंगे यौगिक। और तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, जो शब्द जैसा का है वैसा ही रहे, तो वो आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द। अब देखते हैं तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तो आइए अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए इसकी परिभाषा बहुत से सरल भाषा में मैंने आपको समझाई है, जो तीसरा अर्थ निकालते हों, जो बने तो दो शब्दों से मिलकर होंगे लेकिन वो दो शब्द मिलने के बाद जो उसका अर्थ निकलेगा वो तीसरा निकलेगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जलज, जल में जन्मा हुआ अर्थात कमल। दूसरा जलद, जल को देने वाला, तो आपका हो जाएगा बादल। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये बहुप्रिय समास का भी उदाहरण होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, दो शब्दों से मिलकर बनेगा और अर्थ निकलेगा तीसरा, तो आपके हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। ये मैंने आज आपको रचना के आधार पर शब्द भेद समझा दिए हैं। अगली वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर या प्रयोग के आधार पर कोई भी टॉपिक जो आप लोग बताएंगे वो समझा दूंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।